कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। सरकारी अस्पतालों व स्कूलों की दुर्दशा और प्राइवेट स्कूल व नर्सिंग होम की मनमानी व लूट के खिलाफ मेरठ में एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। सरदना विधायक अतुल प्रधान की अगुवाई में होने वाले इस धरना प्रदर्शन की व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। 10 अक्टूबर से होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में जो समस्या उठाई जानी है वह निश्चित रूप से आमजन से जुड़ी हुई है। आज मेरठ कॉलेज परिसर में सांकेतिक धरने पर बैठे विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि सत्ताधारी नेता को यदि सरकारी अस्पतालों व स्कूलों में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, जनता वहां कैसे परेशान है, यदि इसकी सुध नहीं है तो बतौर जनप्रतिनिधि वह तो परेशान जनता की सुनेंगे ही। इस अव्यवस्था के खिलाफ पिछली बार जैसा किया था वह अनशन नहीं करेंगे, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो इससे भी वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज भाजपा के 90% बड़े नेता जमीनों के काम से जुड़े हुए हैं। पहले सुनिए सरदना विधायक अतुल प्रधान ने FirstByte.tv को अपने प्रस्तावित आंदोलन के बारे में क्या बताया। भैया गांधी जयंती के आपके माध्यम से मैं 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पर शहरवासियों को सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोगों ने ये सांकेतिक एक तरीके से धरना भी यहां पर रखा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की ही है और इसके साथ साथ अहिंसा के पुजारी और जिन लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया उनके लिए छोटा सा एक सांकेतिक धरना है। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर भी सबको शुभकामना देता हूँ। 10 अक्टूबर से हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, एक महापड़ाव के रूप में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर हम लोग अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। ये जो प्राइवेट अस्पतालों में लूट का पूरा माध्यम है, इस लूट के खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल हों और चाहे प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पतालों के स्कूलों की जो बदहाली है उसके साथ साथ इस लूट के खिलाफ ये बड़ी निर्णायक लड़ाई होने जा रही है। इसको लेकर हम लोग एक छोटा सांकेतिक आज धरना दिया है। 10 अक्टूबर से बड़ी लड़ाई शुरू है। अब सुनिए धरना स्थल पर सपा विधायक अतुल प्रधान ने किस तरह दिखाए अपने तीखे तेवर। कहेंगे कि आप अपनी छवि की बात करते हैं, अगर छवि बचाने का इतना ही फिक्र है तो इन मंत्रियों की और इतने अपने जो भाजपा के बड़े नेता हैं, इनकी जांच करा के देखो 90% लोग जमीनों के काम में संलिप्त मिलेंगे। सही बात गलत बात बताओ। और हम तो कह रहे हैं सरकार के लोगों से कि 7 विधायक है मेरठ में, सबसे पहले अतुल प्रधान की संपत्ति की जांच करा लो। जो हमारा धंधा है, जो हमारा काम है कुछ, उसको बंद करा दो जी। लेकिन फिर हमारे से बात इनसे भी पूछ लेना कि ये कहां से बन गए, ऐसे कहां से इनके पास माल आया और किस किस से लोगों ने इन्होंने लूटा। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा ये बात कि लड़ाई बहुत बड़ी है और प्योर जनता की है। दवाई और पढ़ाई हर घर का विषय है, इसलिए इसे बहुत शिद्दत से और बहुत मन लगाकर हम सब लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। एक बार हाथ उठा के जयंती के मौके पर बताइए क्या सब लोग तैयार हैं? आज तो ये सांकेतिक है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 तारीख को मेरठ की तमाम सड़कें जनता से आपको लबालब मिलेंगी। और मैं जनता से अपील करता हूं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है, मैं जनता से अपील करता हूं कि अपने इस विषय पर हम सब लोगों को इकट्ठे होना चाहिए और जनहित के इस विषय पर मिलकर हम लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए। बताओ एक बार नौजवान साथियों हाथ उठा करके मदद के लिए तैयार हैं सब? ये पब्लिक की लड़ाई है और अकेले हमारे तुम्हारी नहीं है। हम उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए लड़ेंगे जो आज लाचार और बेबस नजर आते हैं। सुबह एक व्यक्ति मेरे पास आया, अभी करो कि दूसरा कोई अगर लड़ रहा है किसी की लड़ाई तो उसमें बाधा तो मत बनो, और बाधा तुम बन नहीं पाओगे। जितनी हिम्मत है लगा लेना, जितनी भी हिम्मत तुम में हो लगा लेना उतनी हिम्मत।
अगर हमें लड़ने से रोक सको तो रोक लेना। बहुत ज्यादा पुलिस क्या कर लेगी, बहुत ज्यादा पुलिस अगर इस जनहित के काम में, जो हमें संवैधानिक अधिकार है, जो अधिकार हमारे बापू ने हमें दिया, जो हथियार दिया हिंसा का, हम उसके माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे। जो हमें संविधान दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, हम उसके बलबूते खड़े होंगे। जो ताकत हमें मिली है उस संविधान की बदौलत मिली है। और आप देख लीजिए आर्टिकल 19 उठाकर, उसमें किसी को भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। क्या उस अधिकार को हमसे छीन सकते हैं क्या? बताइए, अधिकार को छीन सकते हैं क्या? और अगर इमरजेंसी हो तो छीन लो, हमें उसमें भी तुम्हारे से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप सब साथियों से कहूंगा कि जब मैं अकेला कई सौ गांव घूम सकता हूं, तो आप जो सामाजिक जीवन में हो, आप भी मेहनत मशक्कत करो और कम से कम इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम करो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पिछली बार मैं भूख हड़ताल पर बैठा था, लेकिन इस बार हम लोग शुरू में भूख हड़ताल पर नहीं बैठेंगे, पहले ऐसे ही लड़ेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी दोबारा आमरंसन करने की, तो उससे भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन ये लड़ाई किसी की जमीन की नहीं है कि जमीन कितने करोड़ की है, ना ये लड़ाई किसी के ठेका और पट्टी लेने की है, और ना ये लड़ाई जो आजकल ये लोग कर रहे हैं, अच्छा परिवार को पाल रहा होगा वो जिसको आउटसोर्सिंग पर रख रखा आपने, जब डॉक्टरों की 70% तक कमी है, डिपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं। अरे भाई, जितने मेरठ के सत्ताधारी लोग हों, सुन लो मेरी बात, गलतफहमी में मत रहना। अगर तुम्हें जनता की सुध नहीं है, तो जनता ने हमें भी चुनकर विधायक वहां पर भेजा, जनता नहीं बनाया हमें भी। तो इसलिए अपने दिमाग की गलतफहमी निकालो और जाओ अस्पतालों में घूम कर आओ, देख के आओ लोगों का हाल, किस हाल में ओपीडी चल रही है, किस हाल में सीएससी पीएससी है, किस हाल में जिला अस्पताल है। कद्दावर मंत्री बताता है अपने आप को। हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी कद्दावरी तब कहां चली जाती है भाई, जब गरीब लोग परेशान होते हैं। तुम लोगों की नाक के नीचे ये मेडिकल व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं, कहीं डॉक्टर को तबिंदार पीट दे रहे हैं, कहीं डॉक्टर तबिंदारों को पीट दे रहे हैं, रोज अखबार में सुर्खी बनती है। अगर व्यवस्था ठीक हो, डॉक्टरों के पास संसाधन हो, अगर डॉक्टर पूरे हो, तो मेडिकल कॉलेज में जो लोग धक्के खा खा कर अपने लोगों को मरता हुआ देखते हैं, तो उन्हें ऐसा तो ना करना पड़े। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।